प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ से देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आप सभी को ऐसे वेरी वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन और उनके उत्तर बताने वाला हूँ, जो कि आपको त्रैमासिक परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में से कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने होंगे और इनका सोल्यूशन आपको कैसे पूरा तैयार और याद कर लेना चाहिए। देखिएगा आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का एक एक सेकंड बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको आपकी त्रैमासिक परीक्षा तो कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को समझाया है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख कर जरूर जाएँ, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन और उनके उत्तर आपको समझ में आ पाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अध्याय एक की बात कर लेते हैं। अध्याय एक जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें से कितने पार्ट तक के क्वेश्चन आंसर आपको याद करने होंगे। तो पहले तो यहाँ से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को याद कर लेंगे, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए, आप लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है आप सभी के लिए त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए। आप प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों का रिविजन अच्छे से जरूर कर लेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लेंगे। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अभिकारक किसे कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे कि अभिकारक किसे कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है, उत्पाद किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। दोनों के दोनों ही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देखें और याद कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर लेंगे कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पर आपको पार्ट के बता रहा हूँ, ये आपके त्रैमासिक की नई वार्षिक परीक्षा में भी काफ़ी मदद करने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना है, एक इस वाले क्वेश्चन को देख लेना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं। वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है आप सभी के लिए ये। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे, तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लिखा है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। और एक ये वाला, संचारण और विकृत गंधिता को समझाइए, तो आप सभी लोग इसको देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा अब इसके बाद में आपको अध्याय दो कंप्लीट करना होगा, जिसका के नाम है आम्ल क्षारक तथा लवण। तो देखिएगा आम्ल क्षारक एवं लवण नाम का जो पार्ट दिया गया है, उसमें से आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा ये लिखा है, प्लास्टर और पेरिस को आर्द्रता रोती बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको भी देख लेंगे और पूरा का पूरा इसका रिविज़न कर लें आप लोग। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग आपको बताने हैं। तो यहाँ से आप लोग धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के प्रमुख उपयोग नोट कर लेंगे, ताकि आप सभी लोग त्रैमासिक परीक्षाओं में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। और एक और वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है आपका इस पार्ट का, आम्ल और क्षार में अंतर। तो देखिएगा बिल्कुल ही सरल तरीके से मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया है, आप लोग यहाँ से आम्ल और क्षार में अंतर को नोट कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शुरू से तो आपको पार्ट एक और दो पढ़ना है, इनके क्वेश्चन आंसर आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों सीधा सीधा आपको आ जाना है कहाँ पर, पार्ट पाँच पर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पार्ट पाँच है, जिसका कि नाम क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें। ये पहले पार्ट छः था और अब ये पार्ट पाँच हो गया नया सिलेबस में, तो आप सभी लोग इसको भी याद कर लेंगे। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन याद करेंगे पार्ट पाँच में से, इसमें से आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। क्या लिखा है,
किसी जीवधारी द्वारा किस कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए यहाँ से आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लें, ये जो लिखा गया है हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यहाँ से आप लोग देख लेंगे और नोट कर लेंगे कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया है वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, और उसके बाद में भोजन में पाचक लार की क्या भूमिका होती है, और इसके बाद में जाइलम और फ्लोएम में अंतर, और उसके बाद में धमनी और सिरा का अंतर। इस धमनी और सिरा वाले अंतर को तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। ये बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद जरूर कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस पार्ट में से आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे। ये आपका अध्याय 6 का है जिसका कि नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस पार्ट में से आप लोग एक तो इस वाले क्वेश्चन को याद कर लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये तो 7 पार्ट था, अब 6 कैसे आप बता रहे हो, तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो आपका नया सिलेबस आया है ना, इसमें पार्ट थोड़े से इधर उधर हुए हैं, तो ये अब पार्ट 6 पर दिया गया है, तो इसलिए जो रियल है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कौन से पार्ट पर है ये। तो देखिएगा एक अगला ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, आप लोग इसको भी याद कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया, देख सकते हो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, आप सभी लोग इसको भी याद कर लेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन ये दिया गया है, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसा लगा लेते हैं। वेरी मोस्ट IMP है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा समझ लें और याद कर लेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, तो यहाँ से आप लोग इसका रिविजन कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख लें, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लें पूरा का पूरा कि रासायनिक समन्वय जंतुओं में कैसे होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन का रिविजन कर लें। आप लोग क्या लिखा है, आप सब लोग ये देख लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो किस वजह से आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा नोट कर लें आप सभी लोग इसको। तो देखिएगा मैंने यहाँ से आपको जितना हो सकता था मैंने छोटा करके आपको ये बता दिया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेंगे कि हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये, जब एड्रिनल रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, तो ये पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको भी याद कर लेंगे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और आपके अगले पार्टों के वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन और उनके उत्तरों को समझ लेते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा आपको अध्याय 9 जिसका कि नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। तो देखिएगा अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है, आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके अलावा एक ये सवाल भी आपके लिए वेरी मोस्ट है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिएगा वक्रता त्रिज्या तो 20 सेंटीमीटर दी गई है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी इसका सूत्र होता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको आर बराबर 2f लिख लेना है, और इसके बाद में f आपका यहाँ पर रह जाएगा r बटे 2 कर लें, क्योंकि 2 ये नीचे आ गया इस तरह से। और यहाँ पर से क्या होगा कि देखिएगा आप इसको इस तरह से समझ लें कि 2 इधर आ गया इसके r के नीचे, तो r बटे 2 आ गया, r क्या थी हमारी 20, तो 20 में अगर हमने 2 से भाग दिया तो 10 आंसर आ गया। तो बिल्कुल ही सरल सवाल है ये तो आपका। और उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदृश दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप लोग यहाँ से इसको देखें और याद कर लेंगे। ये इसका उत्तर लिखा गया पूरा का पूरा। और उसके बाद में आगे लिखा है, आप सभी लोग देख लेंगे, अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन से क्या आशय है। वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है आप सभी के लिए ये। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपको क्या करना है, आपका जो अगला अध्याय है अध्याय 10 है ये, पहले ये 11 पर था मगर अब 10 हो चुका है ये। तो इसमें से आपको कौन कौन से पार्ट याद करने हैं यहाँ से आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन ये, नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है। वेरी मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से इसको देखिए और बराबर याद कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा नोट कर लें कि तारे किस वजह से टिमटिमाते हैं।
तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें बराबर और नोट कर लेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से याद कर लेंगे, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। आप सभी लोग यहाँ से इसको देखेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, देख सकते हो यहाँ से आप लोग, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लेंगे। और इस पार्ट में से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, एक मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र भी आपको बनाना है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके विज्ञान विषय के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उन सभी के उत्तर बता दिए हैं। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हमारी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, आप लोग वहां पर जाकर इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो।